नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों। बड़ी खबर नरसिंहपुर से। देवेंद्र पटेल पूर्व जनपद अध्यक्ष ने कहा, नरसिंहपुर का खनिज विभाग बना भस्मासुर, खनिज अधिकारी ने रातों रात चोरी करवाई 1 करोड़ की रेत। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवेंद्र पटेल ने लगाए खनिज विभाग एवं जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप। कहा, जिला खनिज अधिकारी पर हुए FIR दर्ज और की जाए चोरी की गई रेत की राशि की रिकवरी। खबर नरसिंहपुर से, जहां नरसिंहपुर में जिला खनिज विभाग ही अपनी कार्य प्रणाली पर कटघरे में खड़ा हुआ है। जी हां, आपको बता दें, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता देवेंद्र पटेल गुड्डू भैया ने अवैध खनन में खनिज विभाग की संलिप्तता पर प्रश्न उठाते हुए खनिज विभाग को भस्मासुर तक कह डाला। पूरा मामला नरसिंहपुर जिले का, जहां बीते 4 दिन पूर्व कुड़ी घाट एवं सगुन घाट पर रेत के अवैध खनन के पश्चात 9 भंडारण स्थल मिले थे, जिसकी जानकारी मीडिया द्वारा जिला खनिज अधिकारी को दी गई थी। खनिज अधिकारी ने उसी दिन उन भंडारण स्थलों का दौरा किया था, लेकिन 9 भंडारण केंद्र मिलने के बावजूद भी न कोई पंचनामा बनाया गया था, न ही कोई जब्ती की गई थी। जब मीडिया ने इस पर खनिज अधिकारी से सवाल पूछा तो खनिज अधिकारी ने शीघ्र जब्ती की जाने की बात कही थी, लेकिन आज दोपहर में प्राप्त विजुअलों के अनुसार उक्त रेत वहां से नदारद है। इस 1 करोड़ की रेत की चोरी में जिला खनिज अधिकारी की संलिप्तता का आरोप देवेंद्र पटेल गुड्डू भैया ने जिला खनिज अधिकारी पर लगाया है। वीडियो में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जहां आज से 4 दिन पूर्व अवैध रेत के 9 ढेर मीडिया के कैमरों में कैद हुए थे, आज वहां से रेत के ढेर गायब हो चुके हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त ढेरों को रातों रात उठा लिया गया है, जबकि ढेरों की जानकारी जिला खनिज अधिकारी के पास थी एवं जिला खनिज अधिकारी ने स्वयं उन ढेरों की पुष्टि भी की थी। उसके बाद अंधेरे में रेत का यूं गायब हो जाना कहीं ना कहीं जिला खनिज अधिकारी को संदेह के कटघरे में खड़ा करता है, जिसके चलते देवेंद्र पटेल ने जिला खनिज अधिकारी के ऊपर FIR दर्ज करने एवं चोरी की गई रेत की राशि की रिकवरी की बात भी कही है। साथ ही रेत उठाने वाले लोगों पर भी आपराधिक मामला दर्ज करने की बात कही गई है। हाँ, मुझे उसकी जानकारी प्राप्त हुई है और स्टॉक की फोटोज भी मेरे देखने मिले और स्टॉक वहाँ से नदारद होने के बाद भी वो देखने मिला। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रशासन के सहयोग में आने के बाद अगर वो रेत चोरी हो जाती है और जिसका आरोप प्रशासन के ऊपर लगता है कि रेत प्रशासन ने बेची है, जिसकी लगभग कीमत 1 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है, ये बड़ी दुखद बात है। मैं आपसे एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि माँ नर्मदा हमारी आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, वो हमारी जीवन दायिनी है और उनसे छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या नरसिंहपुर में खनिज विभाग को ही खनिज संपदा का भस्मासुर माना जाएगा? 100% इसका श्रेय किसको जाता है? जब एक विभाग बनाया है उसके संरक्षण के लिए, उसके देखरेख के लिए, उसके संवर्धन के लिए, तो अगर वो इसमें इन्वॉल्व है तो अपन किसकी जवाबदारी की बात करेंगे? इनके बाद किसकी जवाबदारी की बात करें अपन? अगर ये बात हुई है तो निसंदेह जो खनिज अधिकारी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, FIR होना चाहिए और जो रेत निकाली गई है उसका पैसा वसूल खनिज अधिकारी से होना चाहिए। दूसरा, जो लोग चोरी में लिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। यह पहला मामला नहीं है जब जिला खनिज विभाग कटघरे में खड़ा हुआ है। इसके पूर्व भी जिला खनिज अधिकारी रमेश पटेल ने एक निजी चैनल के पत्रकार को फोन कर यह कहते नजर आए थे कि धनलक्ष्मी बिना रॉयल्टी पर्ची के रेत का विक्रय कर सकती है। अब कहीं ना कहीं देवेंद्र पटेल गुड्डू भैया के द्वारा दी गई भस्मासुर की संज्ञा बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि अपने ही विभाग को भस्म करने की फिराक में है नरसिंहपुर खनिज विभाग। नरसिंहपुर से मदन तिवारी की रिपोर्ट।